शशांग दंडवत करते हुए आदि शक्ति जगत जननी माते श्री श्री जानकी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत बाबा के चरणों में शब्द रूपी सुमन समर्पित करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के आचार्य देव समस्त वर्णित ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, पधारे हुए साधु संत ब्राह्मण देवताओं को नमन, आगंतुक बंधुओं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वो भक्तिमयी माता बहनों आप सबको प्रणाम, मंचासीन सभी कलाकार सभी विद्वजन सबका स्वागत। श्री राम कथा के पांडाल के आसपास जो भी चेतना शक्ति निवास करती है सभी का श्री राम कथा में सादर आमंत्रण प्रणाम। आप सभी भानुभावों को करवत निवेदन, कथा में हरि नाम कीर्तन प्रभु नाम की जय जयकार, नारायण हरि आपको बोलना ही पड़ेगा। आज हम निष्काम भक्ति की चर्चा करेंगे, ध्यान देना। श्री राम कथा का संवाद आपके हमारे मध्य में जो चल रहा है गोस्वामी जी की कृपा से, आप सब लोगों के पुण्य प्रताप से सत्संग की गरिमा सत्संग की महिमा और उसके माध्यम से जो हम ये श्री रामचरितमानस का संवाद जो सुनने सुन रहे हैं रोज, श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी में मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको निवेदन कर रहा हूं, गा रहा हूं राम कथा। संतों की कृपा से गुरु की कृपा से भक्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। आज मैं एक अद्भुत चर्चा आपको निवेदन करूंगा। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम दूसरी निष्काम। और बहुत अच्छी चर्चा है, आप सब लोग बड़ी होशियारी से सुने। प्रथम है निष्काम और दूसरी है सकाम। भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, व्रत करो, तीर्थ करो, जप करो, तप दर्शन सेवा दान जो जो सत्कर्म हैं सब करो, लेकिन उसके बदले में मांगो मत, निष्काम करो।
उसको सब खबर है। अपने तो दो ही कान है, ओके तो हजार कान है। अपने तो दो आंखें, ओके तो हजार आंखें। अपने दो हाथ है, उसके हजारों हाथ है। हमारा एक मन है, उसके सहस्त्र मन है। वो हमारे मन की गति को जानते हैं। यजुर्वेद में लिखा है, सहस्त्र शीर्षा पुरखा, सहस्राक्षा सहस्रपाद, सभूमि गुम सर्वतस्पृष्ट्वादिद सांगुलम मा। क्यों मांग रहे हैं? क्या आपको संसार में भेजा तो कोई कमी रखी क्या? जिस जगत में आप हम सब आए हैं मेरे बहन भाई, यहाँ जीने के लिए और यहाँ से जाने के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था करके भेजा है, कोई कमी रखी ही नहीं, फिर मांगने की आवश्यकता क्या है? क्यों मांगो? और मांग लोगे तो तुम्हारा पुण्य तो निष्क्रिय हो जाएगा, तुम्हारा कर्म निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। थोता चना, जैसा चना का गेटा में इल्ली भरा जावे, पता नहीं कहां से भरावे, नानो सो बारीक बेच करके भरावे, गेटा के आल भी नहीं आवे ने चनो खा जावे, तो बाद में फोड़ो तो फटी होवे। इस तरह हमारी सकामता, सकामता कामना मनोकामना रूपी इल्ली हमारी भक्ति के इस गेटे में घुस जाती है और सत्कर्म के फल को खा जाती है और अंत में फटी कोई हो गए चित्रगुप्त जी के यहाँ पे कहीं नहीं हो गए। इसलिए मांगो मत। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान, पांव दिए तीर्थ करने को, हाथ दिए कर दान, जिव्या स्मरण के लिए दी है, मन चिंतन के लिए दिया है, बुद्धि ज्ञान को संग्रह करने के लिए दी है, कान सुनने के लिए दिया है, पर सुने तो है ही नहीं कोई महाराज, कौन सुने? सुना बापे सब तैयार, सुनाने के लिए सब तैयार है। हर कोई गुरु बनने को राजी होता है, शिष्य बनने को कोई चेला बनने को तैयार ही नहीं। बेटा बाप की सुनता ही नहीं, बहू सास की सुनती ही नहीं, आजकल का चेला गुरु की सुनता ही नहीं। ये तो जो लोग कथा में बैठ जाते हैं, आ जाते हैं कथाओं में, ये तो इन लोगों को हम है ना थोड़ा नमकीन आइटम देते हैं ना, इसलिए सुनते हैं। बोलो नारायण हरि। एक लड़के को मैंने कहा, भैया कथा सुन लिया कर, थोड़ी देर बैठ, कथा ही काम देगी। कि मारा बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी कहीं सुनी? सुनो, दर्शन करो, स्मरण करो, चिंतन करो, सत्संग की ओर गति करो, हाथ से सेवा करो। जीने के लिए भी पर्याप्त है और जाने के लिए भी पर्याप्त है, पर मांगो मत तो तुम्हारी पूंजी बनी रहेगी। मैंने मांगने से खर्च हो जाता है, और आप जानते हैं मांगबावड़ा की कदर कम रे, मांगबावड़ा की कदर कम, प्रतिष्ठा घट जाती है। अब रोज गाड़ी मांगो, मंत्री जी से एक दिन मांग ली गाड़ी तो उनने की चलो गुरु जी बापड़ा अपना दे दो यार गाड़ी, दूसरे दिन फिर धनवा पहली पहुंच गया कि आज गाड़ी दे दो यार, जो टीट की में लपा दो, दे दो यार, अब काल दी थी तो आज भी देनी पड़ेगी। और तीसरे दिन फिर पहुंच जाओगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। बोलो नारायण हरि। प्रतिष्ठा घट जाएगी, या घर में भी रहेगा तो कह दे नाना छोरा छोरी बेटा के दुनिया नहीं गया माचल पर, घट जाएगी प्रतिष्ठा। मांगना बुरा, और मांगना ही अगर है तो पहले मांगने की ट्रेनिंग लो और फिर मांग। चलो आज मैं बहुत बढ़िया बात करूंगा। चलो आदत पड़ गई है मांगने की तो पहले मांगना सीखो फिर मांग। हमें मांगना आता नहीं है यथार्थ,
और दो तीन सेंटर ऐसे हैं जहां मांगना सिखाया जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां से मांगना सिखाया जाता है। सीखो पहले मांगना, फिर मांगो। तो सबसे पहले कहां का सेंटर बताऊं आपको? माताएं ज्यादा मांगती हैं, मंदिर में जावेगी, हनुमान जी के यहां जावेगी, शंकर जी तो आजकल अनकई हो गया, नहीं वो गई। और बिना मांगे तो मंदिर की पेड़ी कोई चढ़ाई नहीं मारा। माताओं का स्वभाव ज्यादा मांगने का है। तो माताएं अगर मांग नहीं सीखो तो माता अनुसुईया से सीखो। उसकी कहानी सुनो, उसकी कथा सुनो। मांगना अगर है तो राजा शंभु मनु और उनकी रानी शत्रुपा से मांगना सीखो, चाहे तुम्हार समान सुत। और अनुसुईया माने तो केवल इतना कह दिया कि जिस पल में मैं 6 महीने से सो रहे हो, ये खाली नहीं रहना चाहिए। उनने यानी कि हमारे बेटो छावे के हमारे औलाद छावे के हमारे फलानो छावे, नहीं, आप जिस पलने में 6 महीने से सो रहे हो ये खाली नहीं रहे। बस तो तीनों देवताओं को आना पड़ा। बोलो नारायण हरि। बालक बनकर आए ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा मांगते हैं भगवान नारायण से वरदान। हजारों हजार वर्ष की तपस्या करने के बाद बरम रूही मांगो नारायणम। नारायण प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? कि तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। बोलो नारायण हरि। इसको कहते हैं मांगना। अभी तो जागी हम पेरु महाराज कंग कांग रावड़ा कंग पीपड़ा वाला कंग बड़ा वाला कंग और मत दीवाल पे साथियो बना गिर के गिरे अंदाता कसोई दे दो। कसोई दे दो पर एक दे दो, कालो दे दो, गोरो दे दो, तरचो पंखो लूलो लंगड़ो कसोई दे दो, ते कम से कम एक दे दो। तो बड़ा वालों भी भगवान विधाता से प्रार्थना करे कि ई तो भी रिजेक्ट माल मांग रही, कहीं को पड़ियो वो तो आईल गिरीश कर दो ने दे दो। फिर तीसरे दिन को नमूनियो होगो, आ ले जाओ माचल पर। ने फिर मार से कहेगी गुरुजी देखा पंचांग देखो, जब कहीं देखूं बेन के कहो यो छोरो यो गुरुजी जे से तो एक बराबर रुपया तोल रहा अंतर तो अस्पताल में दे दिया। तो कारी भाई में प्रेम गुरु कहीं करे ते नहीं की कसो ही दे दो, तो जैसो तो वो दे दियो राइलिंग करके। मांगने का तरीका चाहिए ना। हम तो एक घर में रोटी मांगने गए तो रोटी मांगने वाले जाते हैं तो ये रोटी मांग वाला कहेंगे भाई काल की दे दे, बासी दे दे। बासी क्यों दे दे, ताजी दे। मैं एक घर गया रोटी मांगने तो मैंने बहन से कहा कि उन भाई ने की के गुरुजी बासी है काल की दे दूं। बासी क्यों दे, ताजी दे। यथा दानम तथा प्राप्ति। तू जैसा दान करेगी वैसा तुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे तेरे मन के विचार होंगे वैसा तेरा संस्कार हो जाएगा। मन सुधरेगा विचार सुधरेगा, विचार सुधरे व्यवहार सुधर जाएगा, व्यवहार सुधरा संसार सुधर जाएगा, संसार सुधरा तो कर्तार की प्राप्ति भी हो जाएगी। पर शुद्ध सात्विक निष्काम भाव से करो तो मांगना सीखो। एक सेंटर और बताऊं मांगने का आपको। मैं अगर मांगना ही है परमात्मा की भक्ति करने के बाद में तो भरत महात्मा से सीखो। भरत मांग रहा है सुनो। दारमनार्थन काम रुचि हरि बोल। दारमनार्थन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण जन्म जन्म रतिरापद हो ये वरदान हरि हो। भरत से मांगना सीखो। भरत कहता है मुझे धर्म नहीं चाहिए,
मुझे अर्थ नहीं चाहिए, काम और मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। जब भी जन्म हो मेरा, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक राम की अनपाइनी भक्ति मेरे मन में हो, बस यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं मांगना, वरना मांगना बहुत बुरा। सब लोग मांगते हैं, हनुमान जी महाराज मारी ट्यूबवेल में पानी एड दीजो, दो पांच नारियल चढ़ूंगा, पांच नारियल ने 250 ग्राम मीठो पेठा। बापड़ा हनुमान जी ने पेठा नहीं खाया, कभी रोता पड़ेगा, मारे मारे तो मर गए। मांगना खतरनाक है। और कवि गंग कह रहा है, और सुनो, बुरो प्रेम को पन बुरो जंगल को बसो, बुरो प्रेम को पंथ, प्रेम का पंथ बुरा। या तो प्रेम करो मत, और प्रेम करो तो प्रेम को निभाने की क्षमता रखो। मतलब मारो केवा को यूं के बेले बैठो मत, और बेले बैठ गया तो कोड़िया गिनो मत। मारी आदत मोटा कोड़िया की, तो तमो जीव क्यों कबरे बरे, पहला समझ नहीं थी, अब पहला सोच नहीं समझ नहीं थी, अबे बेड़े ही बैठ गया हो के बाद तुम गलगा करो का मोटा कोड़ा मत ले खसन लू मरियो मु तो का बलाना। प्रेम का पंथ यानी मेरा मतलब रही मन धागा प्रेम का, और मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर नहीं जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। प्रेम करो मत, प्रेम करो तो हमें ऊंची नीची बात हो जावे, हानि लाभ हो जावे, कहीं की अच्छी बड़ी बात भी हो जावे, तो सब सेन करवा की कोशिश करो, और फिर प्रेम करो। अनी तो महात्मा ने तो कहा है, थोड़ा स्वागत आयो कि राखी तागो कर ले, और फिर बाद में
कोई राखी नहीं कोई फिर लड़े हो जाओ उनके हमारे पहला मजे को व्यवहार तो अबे तो कोई है ना उनके वीर माँ के माँ नगर की गलियां नगर की गलियां बहुत सांकड़ी गली है घनी घनी सांकड़ी गली है प्रेम की छोटी है जामे दो न समाए और प्रेम करो तो दो समाना चाहिए द्वेत नहीं आना चाहिए प्रेम कर लो तो फिर दुर्भाव नहीं होना चाहिए तो प्रेम करो करो कोई बुराई नहीं है प्रेम का पंथ बुरा जंगल को वास बुरो अकेला घर से आदमी अगर माल में मकान बना ले तो वो भी खतरनाक काम है टेम से घरे जानो पड़े रोना पड़े बाप दना क्या तो घरे वो भी बुरा मूर्ख से हंसी करना बुरा गमार आदमी से मूर्ख आदमी से हंसी मत करो वो हंसी के तत्व को नहीं जानता महत्व को नहीं जानता तुम तो मजाक मजाक में हंसी हंसी में उनका गाल पे टल्लो लगा दोगा रखे उन्होंने रपट के झपट मारी नी तो 32.5 कर दे इसलिए मूर्ख से हंसी मत करो बुरो पेय पंपाल बेन घर बुरो भाई अपना घर की दीवाल में सांप भर जाओ भी बुरो जब तक नीट है वहां तक आत्मा में शांति नहीं रहती रात में सो जाओ ना कभी ऊंदरो ही पड़ गयो नहीं छाती पे बुरो पेय पंपाल बेन घर बुरो भाई ज्यादा दिन भाई को बहन के घर में नहीं रहना चाहिए काम काम पूर्ता प्रथम कदी पोया के साथ ही जोड़ा ही टांग दो के रोज पोया जेले भी मलरी टंगिया रे पदो जोड़ा तो फिर बेणोई जी कहेगा के थारो भाई आयो 1.5-2 महीना हो गया जाबा को नाम नहीं ले रही हो कहीं मर्डर करके आयो कहीं जावे क्यों नहीं बेन घर बुरो भाई ने सास घर बुरो जमाई जमाई को भी ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए हालांकि ससुराल जैसा सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है मैंने ऐसा सुना और मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि सड़क में भले ही नहीं बने तो मत जाए जो पर सास रहे जरूर जाओ सड़क में जा बाकी नहीं बने तो सास रहे तो जरूर जाओ पर एक बात और बढ़िया खोल के बोलूं मैं आपके सामने एक दो बार जाओ वहीं तक ठीक है फिर न्यू न्यू गर्म गर्म मत गूंद खाओ एक दो बार जाओगे तो प्रतिष्ठा रहेगी और बार बार जाओगे ना प्रतिष्ठा घट जाएगी पहली बार जाओगे तो बढ़िया तो रसोई बनेगी पूड़ी पकौड़ी बनेगी सब कुछ अच्छा अच्छा बनेगा और जब आप भोजन करोगे तो गांव मोहल्ले की महिलाएं बैठकर तुम्हारे गीत गाएंगी तुम्हारे भजन गाएंगी आप गाती हो कभी जमाई आते हैं तो वो भोजन करते हैं तो गीत गाती हो कि नहीं आपके यहाँ रिवाज नहीं है क्या है ना जमाई राणा न्याई बसो दिन चार
और दूसरी बार जाओगे ना तो परेठे बनेंगे, फिर आइटम ज्यादा नहीं रहेगा, चावल चावल परेठा आलू के साथ। तीसरी बार जाओगे तो सासू जी कह देगी कंवर साहब से कि नाना आज तो मक्का की रोटी हमारे याद आ रही थी, घना दिन हो गया था तो आज मक्का की बनाई। तीसरे दिन मक्का की रोटियां आ गई। उसके बाद जाओगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारे साला के लड़के, तुम्हारे भतीजे, छोटे छोटे बच्चे दौड़कर घर में जाएंगे और दादी से कहेंगे, दादी 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 हमारा फूफा जी आ गया, दादी हमारा फूफा जी आ गया, आगे थर फूफा जी आ गया। उनने क्या तो उनका नंबर होगा ना, धरगन फोन नंबर निकी हाँ है नहीं, फोन लगा दे बेटा कूड़ा पैसे चेरी को बारो तो लागा लो और जाओ रो बाप। प्रतिष्ठा घट गई, सास घर गुरु जमाई, बेन घर गुरु भाई, सुन की सेवा बुरी, बुरो सुरन को रण से भागनो, कभी गंग कहे संसार अकबर, सबसे बुरो है मांगनो, मांगनो सबसे बुरो है। तो भक्ति दो प्रकार की, मैंने इस प्रसंग को यहां से प्रारंभ किया है, आज की कथा की नींव डाली मैंने तो यहां से शुरू करी है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्काम और दूसरी होती है सकाम। निष्काम का मतलब जो भी सत्कर्म करें उसके बदले में परमात्मा से कुछ मांगे नहीं, और दूसरी सकाम कि कर्म बाद में करें और मानता पहला करें, मांग पहले लेता है। एक रुपया चढ़ा देते हैं, हजारों रुपए मांग लेते हैं। अब इन दोनों भक्तियों में फल दाने वाली कौन, फलदायक कौन? दोनों भक्ति में फलदायक भक्ति है निष्काम, सकाम भक्ति में कभी फल नहीं लाते। अब इसका आज दर्शन है कथा के, राम कथा के संवाद में निष्काम भक्ति का दर्शन, और इस दर्शन में मैं केवट को सामने रखूंगा आज आके। केवट बड़ा प्यारा संवाद रहेगा। पहले आपने सुना होगा मेरी छोटी सी बुद्धि रोटी राम आदमी में, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आज केवट को गाऊंगा, सुनिए जरा। अनंत ब्रह्मांड के नायक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार गोरे ठाकुर श्री लखनलाल परांबा भगवती जनकनिया मातेश्वरी मारी माँ जानकी, जब माँ के कई की आज्ञा मानकर और 14 वर्ष की यात्रा करी है महाराज आपने वन की, तो एक मुकाम दो मुकाम मार्ग में रहा और बाद में भगवान निषाद की नगरी में आए और गो निषाद की नगरी में प्रभु ने मुकाम किया और सुबह का सूर्य उदय हुआ। महाराज सुमंत को श्री राम जी ने वापस किया कर्म मार्ग पर, कर्तव्य मार्ग पर। प्रभु राम राघवेंद्र आगे बढ़ रहे हैं, सुमंत ने समझाया राघवेंद्र आपके पिता श्री ने कहा था राम लक्ष्मण को ले आना वापस तीनों को, आप दोनों नहीं चल पा रहे हो, जानकी बेटी को मेरे साथ वापस कर दो। जानकी बोल उठी, सुमंत को भी भगवान राम पिता तुल्य मानते थे, पिता का दर्जा देते, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। भाव हमारे यहां जो हमारा सेवक है, हमारा अनुचर है, उसको हम दिगर नहीं माने, उसको हम अपने परिवार का सदस्य माने और वैसा ही उसके साथ हम व्यवहार करें, ये हमारी राम कथा की परंपरा है। बोलो नारायण। आई 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 बिल्कुल।
पधारो, हाँ पधारो पधारो, खमागणी पधारो पधारो पधारो। खुला मंच है, यहां सब हमारे, वरना कोई मंच ऐसा नहीं है कि यहां ऐसी व्यवस्था हो। महाराज हम तो ब्राह्मण देवता के पुजारी हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। दर्शन मेरे बेन में महाराज समंत को भी वही आप दर्जा दे रहे हैं, पिता तुल्य। ये राम की मर्यादा है, ये भारत देश की मर्यादा है, सबका सम्मान करो और जो योग्य है, जो पूजनीय है, उनको पूजा के योग्य रखो तो भारतीय संस्कृति अखंड रहेगी, वरना खतरे में आ जाएगी। हमारी मानस में लिखा है, बंदव प्रथम मही सुर चरणा, भूमि के देवता हैं ब्राह्मण, झुकने के योग्य यही जगह है और दूसरी जगह हो नहीं सकती। सुमंत महाराज को महाराज राम समझा रहे हैं, बाबा आप जाओ, मैं नहीं जा सकता, मुझे रघुकुल की आन बान पर 14 वर्ष समर्पित करना ही पड़ेगा। मेरे पिता ने वचन दिया था मेरी मां को
और मेरी मांग माँ का वरदान मांगना यही है, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। महाराज सुमंत कह रहे हैं, बेटी जानकी तुम चलो वापस। जानकी कहती है, मुझे तो मेरी माँ ने शिक्षा दी थी, बेटी जब घर से विदा होती है ना ससुराल के लिए पति के संग, माँ शिक्षा देती है, बेटा आज से पति ही तेरा भगवान है, सास ससुर तेरे तीर्थ हैं, सास ससुर तीर्थ हैं, तीर्थ हैं, पति भगवान है। और मेरी माँ ने तो कहा था, उधर चली जा जानकी, उधर चली जा जानकी, जिधर चले श्री राम छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से का जानकी, ले हिम्मत से उधर चली जा जानकी, जिधर चले श्रीराम धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, पति सेवा, पति भगवान, पति भगवान जैसे नहीं है, पति भगवान ही नारी के लिए। उधर चली जा जानकी, जिधर चले श्री राम छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से जानकी, ले हिम्मत से, समय जैसा हो उस समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर समर्पण करें, ये नारी का धर्म है। आइए वेरू सिंह जी, पूरी गुलकेरी का मंदिर को पेंटर करियो, सब लोग को आशीर्वाद से अच्छे पेंटर साहब है, अपने इसको स्वागत भी करी जा। पत्नी सब कुछ दान कर दिया,
किया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने, 60 बार सोना बाकी रह गया दक्षिणा राजा के पास कुछ नहीं, रानी के पास गए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ऐसे समय में नारी का सहयोग लेना अनिवार्य है। बोलो तारा, मेरा धर्म जा रहा है, मैंने सब कुछ दे दिया दान में, अब मुझे केवल 60 बार सोना देना है, अब मैं कहां से लाऊं। उस समय महान पति व्रता वो नारी महाराज हरिश्चंद्र को कह रही है, चिंता नहीं करो महाराज, मुझे बेच डालो और महात्मा की रकम अदा कर दो, ये नारी का धर्म है। मेरा मतलब बेचने से नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए सब कुछ करने को राजी। पति कहे फूल छोड़ के कांटे गले लगाले, कांटे गले कुटिया में तुझे मिलेगा, कुटिया में तुझे मिलेगा मेहरों का छोड़ना अपना रास्ता स्वामी के साथ ही मेरे जीवन का आनंद है। सुमंत को विदा किया, कथा तो बड़ी विस्तार से महाराज, प्रेम का पंथ तो पशु भी जानते हैं, राम के बिना तो घोड़े भी अयोध्या में जाने को तैयार नहीं थे। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, उद्धव तुम प्रेम की परिभाषा नहीं जानते, तुम कह रहे हो कि गोपियों के लिए कन्हैया रो रहा है, नंद यशोदा के लिए रो रहा है, उद्धव ये प्रेम की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञान प्रदान हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रेम करना तो उद्धव कोई सीखे, वृंदावन के गोकुल के पशुओं से कोई सीखे, प्रेम तो पशु वृंदावन के, वृंदावन की लताएं वृक्ष वहां के पक्ष पक्षी प्रेम की परिभाषा को जानते हैं, उद्धव तुम्हारे बस की बात नहीं। इतना समर्पण हो ना प्रभु हमारा। सुमंत महाराज को विदा किया, निषाद राज के साथ तीनों पतित पावनी सुरसरी विष्णु पगा भागीरथी अलकनंदा मातेश्वरी गंगा जी के किनारे गए और मातेश्वरी भवानी जानकी के साथ राम राघवेंद्र सरकार ने पतित पावनी गंगा जी का पूजन किया। महाराज पूजन किया गंगा का, गंगा दर्शनम पुण्यम स्पर्शम पापनाशनम चुंबनम सर्वव्याधिहरणम संगमम मोक्षदायकम, ऐसी गंगा को पूजा करी और पूजा के तुरंत बाद लक्ष्मण जी ने सरकार से पूछा, हे राम राघवेंद्र
गंगा जी में घाट बहुत है, जिस किनारे पर हम आए हैं ना, इस किनारे किनारे घाट बहुत है। यहाँ से बाड़गाम तक नजर पहुंची तो यहाँ से बाड़गाम तक, गुलखेड़ी से बाड़गाम तक एक दो किलोमीटर में कम से कम 10-20 घाट बने हैं गंगा जी के किनारे, बहुत घाट है। और सभी घाट पर नाव भी बहुत है, घाट है तो नाव तो होगी ही सही, और सभी घाट पर भीड़ भी बहुत है। बोलो नारायण हरि, भीड़ भी बहुत है, कई नाव ठसम ठस भरी भराई जा रही है, और कई एक नाव उधर से यात्रियों से भरी हुई आ रही है, बहुत भीड़ है। जिसको जो जो घाट अच्छा लग रहा है और जो नाव अच्छी लग रही है उसी में बैठकर लोग उस पार जा रहे हैं। और मैं एक बहुत बढ़िया बात आपको निवेदन करूं मेरे बहन भाई, ये धर्म क्या है? गंगा। धर्म क्या है? गंगा है। सनातन धर्म गंगा। और इस सनातन धर्म रूपी गंगा के किनारे ये जितने संप्रदाय हैं ना, ये सब घाट हैं। आप मेरी बात को समझेंगे। संप्रदाय, श्रोत्री महापुरुष, अनुभवी सदगुरु जहां विराज रहे हैं सनातन धर्म के घाट पर, ये घाट है। तुम्हें जो गुरु पसंद आ जाए, जो घाट पसंद आ जाए, उसी घाट पर बैठ जाओ और वहीं से नौका मिल जाएगी राम नाम की, और पहले पार हो जाओगे। बोलो नारायण हरि। जाना पड़ेगा तुम्हें घाट पर। तो ये संप्रदाय जितने हैं ना, जो वास्तविक हैं और सनातनी हैं और यथोचित हैं, जिस पर एक श्रोत्री अनुभवी महापुरुष बैठकर और हमें मार्ग दिखाए, ये सब घाट हैं। तुम्हें जो घाट समझ में आ जाए, जो गुरु आपको समझ में आ जाए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सभी गुरु में मेरा कृष्ण विराजमान है, उसके रूप अनेक है। मैंने तो बढ़िया गीत सुना था, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा रूप अनेक तू एक ही है। तो ये जितने घाट बने हैं धर्म रूपी गंगा के किनारे, ये सर्व धर्म जो गुरु हैं, ये सब घाट हैं। तुम्हें जो घाट पसंद आ जाए उस घाट पे जाओ, गुरु मंत्र लो और उस मंत्र के नाव में बैठकर पहले पार हो जाओ। जाना पहले पार जरूर है। अब तुम घाट पे ही नहीं जाओ तो कच्ची करार पे जाओ तो रपटोगार पड़ोगा। कच्ची करार पे तो यही हालत हो गए हैं कि रपटेर पड़े, मतलब इसका पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार जन्म लो, नौ नौ महीना तक उल्टा झूलो, अब फिर जन्म लो, अब फिर जिंदगी भर भापे रो। लून लाओ तो मर्चा नहीं, मर्चा लाओ तो तेल नहीं, तेल लाओ तो जीरो नहीं, जीरो लाया तो खापरा खोड़ के बांध रहा। बरसाती लगाओ तो भाई ने साग बकरी तो बप को कर दो, रो बाप। फिर मसान में जाओ, ये रपटरिया पढ़ रहे हो, कहीं नहीं कर रहे। इसको महापुरुषों की भाषा में अगर कहूं तो इसको आवागमन कहते हैं। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सेनम, या आवागमन ही तो है। रपटरिया पटरिया नहीं तो कहीं कर रहा। अरे घाट पे आओ प्यारे, किसी सदगुरु की शरण में आ जाओ, किसी महापुरुष की शरण में आ जाओ, वो सत्य का मार्ग दिखा दे। नामी बन जाओ नामी, ताकि पहले पार हो जाओ। नामी नहीं बनो तो बदनामी तो आगे आगे। बोलो नारायण हरि। सत्य की राह दिखा मारा गुरु जी ने, सत्य की राह
ओ सच्चे किरा श्रीमद भागवत कथा सत्संग का घाट है, राम कथा घाट है, कृष्ण कथा घाट है, हनुमान कथा घाट है। कोई शोत्री महापुरुष, कोई ज्ञानी गुरु, कोई अनुभवी महापुरुष अगर आपको सत्य का मार्ग दिखावे उसको घाट कहते हैं, लेकिन सनातन के साथ दिखाए तो। आजकल के युग की अगर बात करूं ना तो सनातन को तो छोड़कर लोग अलग व्यवस्था कर रही, अलग अलग ही नदी बेवाड़ रहे लोग, बड़बट अपने अलग ही गंगा खड़ी कर ली जबरदस्ती की पता नहीं कहां से, और अंधविश्वास में लोगों को डालते चले जा रहे हैं। यहाँ आओ यहाँ मिलेगा, यहाँ आओ यहाँ मिलेगा, यहाँ आओ यहाँ मिलेगा, नहीं सनातन में मिलेगा। क्षत्रिय महापुरुषों की वाणी के द्वारा आप इस घाट पर आइए, सनातन के घाट पर परमात्मा मिलेगा। आदू घाट हम सनातनी है मेरे बहन भाई, भारत देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हाँ, हिमालय खड़ा है बगल में, गंगा जमुना बहती है यहाँ, भगवान के सब अवतार हुए हैं यहाँ। हाँ, 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है, लेकिन रामायण कुछ और कह रही है, वो भी सुन लीजिए जरा। अब आप प्रसंग आ गया है, अरे जब जब होई धर्म के तब धरई प्रभु विविध शरीरा।
शरीरा हरई सदा सजन कीरा कुर्बान हमारी आन बान शान सब हमारा धर्म सनातन और हमारा भारत जिसके लिए हम जन्मे हैं और इसके लिए प्राण की आहुति भी अगर चढ़ानी पड़े निसंकोच निडर होकर चढ़ा दी लोगों ने और हम भी तैयार हैं धर्म के और देश के खाका। देश धर्म ही हमारी पूजा है, देश धर्म ही हमारी मानवता है, देश धर्म के लिए ही हम राम के देश में हैं, कृष्ण के देश में हैं। और एक गौरव की बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जन्मे कहां, कहां उतार लिया भगवान ने? श्री कृष्ण का जन्म कह दो या उतार प्रकट भय जो भी कहना है कहो, तो कहां हुए? मथुरा में, और मथुरा की जेलखाने में। श्री कृष्ण जन्म कहां हुआ? मथुरा की जेलखाने में। और लीलाएं भगवान ने कहां करी? गोकुल में, नंदगांव में, बरसाने में, ब्रज 84 कोस में करी ना। और राजा कहां बने? बोलो नारायण हरि। सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात में, द्वारिका राजा बने। द्वारिका जन्म लिया मथुरा में, लीला करी गोकुल में, और राजा बने सौराष्ट्र द्वारिका में। लेकिन गुरु ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो आया अपना मालवा में, उज्जैन में। बोलो नारायण हरि। क्योंकि ज्ञान यहाँ है, गुरु ज्ञान मालवा में है, मालवा में सच्चा गुरु मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण 16 अवतार से अवतरित होने वाला परब्रह्म परमात्मा आपका अपना मालवा में आया। यह अपनी गौरव की बात है कि ब्रह्म भी पढ़ने हमारे घर में आया है, घर में आया है, हमारे घर में आया है। हम सनातनी हैं, इसलिए हम सनातन की बात करेंगे क्योंकि सनातनी हैं हम। ठीक है, तो खैर आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना मैं बोल। और आज के युग में तो कई लोग सनातन पर अपनी जान हथेली पर लेकर सामने खड़े हैं कि हम सनातन के लिए और भारत के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर खड़े हैं। महाराज चलो आइए, कौन तुलना कर रहा है?